हेलो एवरीवन, तो आज हम आपको बताने वाले हैं हमारा ब्राइडल मेकअप। जैसे कि हमने पहले वीडियो में बताया था कि हम आपको अगले वीडियो में कुछ ऐसी हाइड एंड सीक रखे थे जो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो हमारी क्लाइंट है उसके फेस पर डस्ट लगा हुआ है, तो उसे हमें पहले अच्छे से लगा देना है, टिश्यू पेपर से उसे क्लीन कर देना है। ये आप देख सकते हो कि हमने अच्छे से उसको क्लीन कर दिया है। कोई भी पार्ट छूटना चाहे उसका खास ख्याल रखना है आपको। ये हमने क्लीन कर दिया है, आप देख सकते हो। क्लीन करने के बाद अब हम लगाएंगे ये फोक्सटेल का जो मॉइस्चराइजर है वो हम इसके फेस पर लगाएंगे। अच्छे से उसके फेस पर अप्लाई करना है, एकदम अच्छे से और हल्के हाथों से उसके फेस पर हम अप्लाई करेंगे। कोई भी प्रोडक्ट आप लगाते हो, जब कोई भी क्लाइंट हो तब आप कोई भी प्रोडक्ट लगाते हो उसके फेस पर, तो कोई भी प्रोडक्ट किसी भी पार्ट पर छूट ना जाए उसका खास ख्याल रखना है आपको। देख सकते हो कि मैंने मॉइस्चराइजर किया है। मॉइस्चराइजर करने के बाद उसकी स्किन एकदम स्मूथ हो गई है। मॉइस्चराइजर का वर्क ऐसा है कि वो स्किन को एकदम मॉइस्चर बनाता है। उसके बाद हम प्राइमर लेंगे, जो एल्युमिनियम का प्राइमर है वो भी स्किन को एकदम स्मूथ करता है। जैसे कि हमने पहले वीडियो में बताया था कि हमारा जो क्लाइंट था उसकी स्किन अकॉर्डिंग हमने वो प्राइमर लिया था। इस प्राइमर को भी हम अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे उसकी स्किन पर। आप कोई भी प्रोडक्ट आप हाथ से लगा रहे हो तो आपकी हाथ की एक फिंगर है, उस फिंगर से ही उसको मच करना है, ये थंब से नहीं करना है। ये हमारा पाम जो है उससे आपको ये कभी भी स्प्रेड नहीं करना है। ये आप देख सकते हो कि हमने अच्छे से उस पर प्राइमर भी कर दिया है। और मैंने पहले बताया था उस तरफ हमने जो है प्रोडक्ट अच्छी तरह से यहाँ पर आईज पर भी बेस बनाना है, तो बेस बनाने के लिए यहाँ पर मॉइस्चराइजर और प्राइमर भी जरूरी है। तो हमारा जो हमने जो ऐसे हाथ से उससे उसके फेस पर अप्लाई किया है, तो हम एक्स्ट्रा कोई प्रोडक्ट नहीं लेंगे, जो हमारे हाथ में है उसी से ही हम यहाँ पर हल्का सा टचअप दे देंगे, तो भी वहां पर बेस हो जाएगा अच्छे से। हम जो ये ले रहे हैं कंसीलर का प्लेट है। अगले जो क्लाइंट हमारे थे उसमें हम ऑल अबाउट का कंसीलर लिया था, ऑल स्किन टाइप पर चलेगा। और यहाँ पर हम ले रहे हैं क्राइलोन का सुप्रा कलर है, ये जो सुप्रा है वो हम ले रहे हैं क्राइलोन में। क्राइलोन में दो प्रोडक्ट आती है, डर्मा और सुप्रा। यहाँ पर हम सुप्रा ले रहे हैं, तो उसकी स्किन अकॉर्डिंग हम ये कंसीलर कलर है जो कलर करेक्टर कहते हैं, तो उसकी स्किन अकॉर्डिंग उसकी स्किन में कितने दाग धब्बे हैं और कौन से कलर के हैं उस पर डिपेंड करता है कि आप उसके फेस पर कौन सा वाला कंसीलर लगाए। तो हम यहाँ पर क्लाइंट के जो यहाँ चीक पर धब्बे हैं तो उसके लिए हम थोड़ा सा डार्क कलर लेंगे, ये आप देख सकते हो। डार्क और मीडियम डार्क हम दोनों शेड को मिक्स करेंगे, आप देख रहे होंगे हमने जो कंसीलर किया है वो अच्छे से हम स्प्रेड भी करेंगे। उसकी चीक पर जो ये धब्बे हैं उसको हमें अच्छी तरह से कवर करना है। ये सुप्रा का जो पैलेट है वो अच्छी तरह से कवर कर देगा। ये आपने देखा होगा कि उसके जो चीक पर जो ये डार्क सर्कल थे, जो धब्बे थे वो हमने कंसीलर से अच्छे से कवर कर दिए। जो उसके फेस का जो फेयर कलर था उसके एक शेड ज्यादा हमें डार्क कलर लिया है, तो उस डार्क कलर पे हम क्या करेंगे कि हमने जो ये कंसीलर कर दिया है उस पर हम थोड़ा उसका स्किन टोन कलर लेंगे। पहले हमने धब्बे छुपाने के लिए जो धब्बे छुपाने का जो उसको ब्लैक कलर के धब्बे थे जो डार्क थे उसे छुपाने के लिए हमने डार्क कलर लिया था। बाद में हमने उसे उसके स्किन टोन कलर का कंसीलर करेक्टर दे दिया है। अब यहाँ पर आता है
जो लिप्स के नीचे के जो स्किन है उसकी, वो ज्यादा डार्क है थोड़ी। आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पर थोड़ा सा कंसीलर कर दिया है, लेकिन यहाँ पर जो उसकी स्किन थी वो ज्यादा डार्क थी, और अपर लिप्स के जो ये पॉइंट है दोनों, वहां पर भी थोड़ा ज्यादा डार्क था, तो इसीलिए हम यहाँ पर भी सारे डार्क्स कवर कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो उसके पूरे फेस को पहले हम ऐसे कंसीलर से कवर कर देंगे, ताकि हमारी जो ये क्लाइंट है, हमारा जो मॉडल है, उसके फेस पर थोड़े ज्यादा दाग धब्बे हैं, तो इसीलिए हम उसे छुपाने के लिए पूरे फेस पर कंसीलर से कवर कर देंगे। ये आपने देखा कि जो फोरहेड था उसके नीचे का पार्ट हमने एकदम से कवर कर लिया है, जैसे जैसे उसके धब्बे थे और जैसे जैसे उसके डार्क सर्कल थे उसे भी हमने कवर कर लिया है। तो अब रहा फोरहेड, तो फोरहेड में कई इतने ज्यादा भी डार्क सर्कल डार्क धब्बे नहीं है, तो उसको छुपाने के लिए हम जो हमारे ब्रश में थोड़ी सी प्रोडक्ट है उसे हम मच करेंगे। या तो आपके ब्रश में जो प्रोडक्ट नहीं हो तो उसके जो स्किन टोन कलर है वो कलर से एक शेड डार्क शेड उसे लेकर आप कवर कर सकते हो। ये जो हमने कर दिया उसकी नोज पर भी थोड़े धब्बे हैं दाग, इसलिए हम उसके नोज पर भी अच्छे से कवर कर देंगे। ये आप देख सकते हो कि उसके पूरे फेस पर हमने कवर कर लिया है कंसीलर से। और मैंने पहले वीडियो में भी बताया था कि उसकी आईज के ऊपर भी हमें एक बेस बनाना है, तो बेस बनाने के लिए हमारी ब्रश में जो प्रोडक्ट है उसे हमें वहां पर मच करना है। ज्यादा आपको प्रोडक्ट लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये आप देख रहे हो हमारा ये कंसीलर हो गया है। कंसीलर करने के बाद हम ब्यूटी ब्लेंडर से मच करेंगे उसको, ताकि जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है वो हमारे ब्यूटी ब्लेंडर में आ जाए, इसलिए हम ब्यूटी ब्लेंडर को मच करते हैं। एकदम हल्के हाथों से उसे मच करना है। ये आप देख सकते हो कि हमने ये जो कलर करेक्टर से ये पूरा सारा का सारा धब्बा था वो एकदम एकदम से छुपा दिए हैं। तो हमने छुपा तो दिए हैं, लेकिन ये दोनों साइड की उसकी डार्क जो स्किन है वो ज्यादा दिख रही है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो ये हमारा सबसे डार्क जो शेड है उसको हम यहाँ पर उसके चीक पर लगाएंगे। अब आप देख रहे हो कि हमने ये पूरा फेस कंसीलर से कवर कर दिया है, तो उसके बाद हम लेंगे जो ये हमारा फाउंडेशन है, हमारा फाउंडेशन है नार्स का। और नार्स का फाउंडेशन जो है वो डबल शेड में है, एक शेड हमारा डार्क है और एक शेड हमेशा हमारा लाइट रहेगा। तो हमारा जो क्लाइंट है उसके स्किन पर हमें डिपेंड करना है कि वो कैसी स्किन लेकर उसके स्किन टोन कलर कैसा है, तो उसी तरह से हम ये शेड मिलाएंगे। जो हमारा जो डार्क शेड है उसने हमें थोड़ा सा ज्यादा लिया है, क्योंकि इंडियन टोन है जो वो फेयर स्किन में बहुत लाइटली होता है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर डार्क थोड़ा सा ज्यादा लिया है। और ये हम यहाँ पर ऐसे दो शेड्स को लेकर यहाँ अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो आप देख सकते हो कि हमने ये दोनों कलर को अच्छे से मिक्स कर दिया है। मिक्स करने के बाद मैंने आपको पहले बोला था कि जो अंडर आईज है उसके नीचे आपको फाउंडेशन नहीं लगाना है, क्योंकि आप वहां पर फाउंडेशन लगाओगे तो उसकी जो आईज सर्कल है वो नीचे से लाइनिंग अच्छी दिखेंगी, इसीलिए आपको वहां पर फाउंडेशन नहीं लगाना है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि हम जो फाउंडेशन लगा रहे हैं वो किस तरह के ब्रश के है और किस तरह हम उसे लगा रहे हैं वो सब आपको भी देखते जाना है। आपका जो फाउंडेशन का जो बेस होता है ना वो अच्छी तरह से आपको फेस पर बिठाना होता है, क्योंकि जो फाउंडेशन है कंसीलर आपने जो किया है उसके ऊपर फाउंडेशन करना जरूरी है, क्योंकि आप ब्राइडल मेकअप कर रहे हो तो उसको फाउंडेशन अच्छे से लगाना जरूरी है। तो आप देख सकते हो कि हम किस तरह से उसके फेस पर फाउंडेशन अप्लाई कर रहे हैं।
ये हमारा फाउंडेशन अच्छी तरह से कवर हो गया है और जो ब्रश में बचा हुआ जो प्रोडक्ट था उससे ही हमने उसके आई सर्कल के नीचे लगाया है। जो उससे भी बचा हुआ प्रोडक्ट है तो उसके आईज पर लाइट लाइट आपको ये से ब्रश करके लगा देना है। ये आप देख सकते हो हमने फाउंडेशन कर दिया है। तो फाउंडेशन करने के बाद हम फिर से उससे ब्यूटी ब्लेंडर से एकदम मच करेंगे। उसका मीनिंग क्या है कि आपके आपने जो ब्रश से प्रोडक्ट उसको फेस उसके फेस पर लगाया है तो जो ब्रश से जो हम उसके फेस पर लगाते हैं तो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट उसके फेस पर होती ही है। इसीलिए जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है वो हमारे ब्यूटी ब्लेंडर में आ जाता है, इसीलिए हम उसे ऐसे मच कर देते हैं। ये आप देख सकते हो कि ये जो हमने किया है वो अच्छी तरह से मच कर दिया है, हमारे फाउंडेशन भी अच्छी तरह से मच हो गया है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हमारा जो ब्राइडल मेकअप है तो हम उस पर कटिंग करेंगे। उसके फेस का जो शेप है वो अच्छा दिखाने के लिए हम उसके फेस पर कटिंग देंगे। कटिंग क्या होती है कि जो जिसका फेस एकदम पतला सा होता है तो उसको हम बड़ा दिखाने के लिए सी सेक्शन में कट देते हैं। और इसका इस जो हमारी मॉडल ये है तो उस मॉडल का फेस हमारा थोड़ा ब्रॉड है तो यहाँ चीक उसके बाहर से है तो उसको अंदर दिखाने के लिए हम यहाँ से सीधा कट लगाएंगे ताकि जो इसका जो चीक बाहर से है वो इतना सा अंदर से दिखे। दोनों तरफ से हम उतना ही उसको करेंगे जो कटिंग जितना उसके फेस पर जरूरी है। और हमने आपको अगले बताया था अगले वीडियो में कि हमारी जो ये जो लाइन है इसे जो लाइन कहते हैं तो ये जो लाइन है ये दोनों तरफ की जो लाइन को यहाँ पर हम कटिंग देंगे ताकि ये जो नीचे का जो भाग है वो बाहर दिखता है तो वो यहाँ से ज्यादा बाहर ना दिखे। तो ये हम इस मॉडल पर करेंगे। इस बार हम आपको करके दिखाएंगे कि कैसे हमें ये जो लाइन को ठीक करना है। आप देख सकते हो कि हम कटिंग कंसीलर से ही करेंगे। ये जो हमारा कंसीलर है उसको हम फेस को छोटा दिखाने के लिए हम कंसीलर को ऐसे एकदम सीधा कर देंगे। फिर बाद में उसको नोज थोड़ा सा ब्रॉड है इसीलिए हम नोज को भी थोड़ा सा कटिंग देंगे, एकदम लाइट लाइट कर दिया है। अब आप देख सकते हो कि ये जो लाइन है जो इसका जो नीचे का पार्ट है फेस के नीचे का वो दिख रहा है ऐसे बाहर। तो ऐसे हम जो लाइन पर ऐसे कटिंग देंगे जो आप देख रहे हो हमने कैसे कटिंग किया है। ये जो जो लाइन है उस पर हमने कटिंग किया है। उसका मतलब क्या है कि हम यहाँ पर कटिंग देंगे तो ये कटिंग का मीनिंग है जो उसके नीचे का जो भाग है वो ज्यादा बाहर ना दिखे इसीलिए हम यहाँ पर कटिंग देते हैं। तो हमने जहां पर उसकी फेस की कटिंग दी है उस पर हमें मच करना है। फिर याद रखना है कि जहां आपने कटिंग दी है वहां ही आपको ऐसे ब्यूटी ब्लेंडर चलाना है। आप देख सकते हो कि अच्छी तरह से हम वहां पर मच कर दिया है। और जो यहाँ पर जो लाइन थी जब भी आप जो लाइन पर ये कटिंग करते हो तो जो लाइन कटिंग करते वक्त आपको ये ब्यूटी ब्लेंडर ऊपर से नहीं खींचना है, हमेशा नीचे की तरह ही ले जाना है ताकि हमें उसके फेस के नीचे का जो कट है वो अच्छी तरह से छुपाना है। इसीलिए उसको नीचे की तरफ खींचना है, ऊपर की तरफ कभी मत खींचना वरना जो आपने फाउंडेशन भी किया है उसका भी शेप बिगड़ सकता है। ये हमारा कटिंग हो गया है, जो हम हमारे जो कट देते हैं वो इसी तरह हमारा कटिंग हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे उसके फेस पर हम थोड़ा सा हाईलाइट दे देंगे। हाईलाइट हम देंगे उसकी आइस का जो नीचे का पार्ट है जो अंडर आइस का पार्ट है उस पर और ये नोज पर जो बीच में की जगह है जो जब जहां हमने कटिंग किया है उसके नीचे की जगह है और यहाँ पर अच्छे से हम उसको ये आप देख सकते हो कि हमने उसे अच्छी तरह से कट दे दिया है। ये आप देख सकते हो कि हमने कैसे तरह कट दिया है और किस तरह हमने ये हाईलाइट दी है। मैंने पहले वीडियो में भी बताया था कि आपको अंडर आइज के नीचे कभी भी फाउंडेशन ज्यादा नहीं लगाना है, आप कंसीलर कर सकते हो
लेकिन फाउंडेशन आपको नहीं लगाना है। ये आप देख सकते हो हमने ये कट कितनी अच्छी तरह से दिया है, वो जो हाईलाइट है वो भी अच्छी तरह से हमने दे दिया है। अब हम क्या करेंगे कि हमने जो लिक्विड फॉर्म में, अभी लिक्विड फॉर्म में ही सारे बेस चल रहे हैं, तो लिक्विड फॉर्म में हम ब्रशर देंगे ताकि उसके ऊपर जो लूज पाउडर लग जाए उसके बाद कोई लिक्विड फॉर्म में उसको उसके फेस पर नहीं लगेगा। तो इसीलिए हम पहले उसे लिक्विड फॉर्म में दे देंगे ब्रशर। ब्रशर को हमें कैसे देना है कि हमने जो ये हाईलाइट और कट क्रीज जो दी है उसके ऊपर से हमें ये ब्रशर लगाना है। और ये जो हमारा ब्राइडल का मेकअप है तो थोड़ा ज्यादा और थोड़ा कम भी नहीं, इतना ब्लशर देना है। तो अच्छे से लिक्विड ब्लशर करके अच्छे से उसको मच कर देना है ताकि वो अच्छे से दिख सके। आप देख रहे हो कि हमारा ब्लशर भी कितना अच्छा हो गया है। जो बच्चा है हमारा ब्यूटी ब्लेंडर में थोड़ा सा प्रोडक्ट, तो आप उससे यहाँ पर नोज पर भी थोड़ा सा दे सकते हो। ये आप देख रहे हो कि हमारा यह जो ब्लशर है वो कितनी अच्छी तरह से हो गया है। ब्लशर करने के बाद ये जो हमारा आता है लूज पाउडर, लूज पाउडर को हम अच्छे से उससे लॉक कर देंगे। लूज पाउडर को सबसे पहले तो आपको आईज के ऊपर में, आईज के नीचे ही लगाना है। आइस के नीचे इसीलिए लगाना है कि जब भी आप मेकअप करते हो तो उसकी जो आइस के नीचे जो लाइनिंग पड़ती है वो लाइनिंग को ठीक से अच्छे से कवर करने के लिए आपको ये लूज पाउडर लगाना होता है। लूज पाउडर को हम अच्छी तरह से पूरे फेस में कवर कर लेंगे। आप ये लूज पाउडर का डिफरेंट देख रहे होंगे कि वन साइड हमने लूज पाउडर किया है और दूसरी साइड हमारा लूज पाउडर बाकी है, तो ये जो आप डिफरेंट है जो आप देख सकते हो, आपको अच्छी तरह से सारी जगह पर लूज पाउडर लगाना है ताकि फाउंडेशन को वो लॉक कर सके। कभी कभी हमारा लूज पाउडर किसी भी पार्ट पर छूट जाता है तो वहां से फाउंडेशन निकलने के चांसेस रहते हैं, तो इसलिए हमें छुपाना पड़ता है लूज पाउडर से। लूज पाउडर में भी अलग अलग तरह से शेड्स आते हैं, वो आप क्लाइंट की स्किन टोन के अकॉर्डिंग आप यूज कर सकते हो। तो अब ये हमारा पूरा का पूरा फेस उससे कवर हो गया है, तो हमने जो फाउंडेशन का जो बेस बनाया है वो सारा उससे कवर हो गया है। उसके बाद हमने वहां पर लूज पाउडर भी लॉक कर दिया है। तो लूज पाउडर लॉक कर दिया है तो हमारे एक क्या रहता है, जो यहाँ पर लिक्विड का जो हमने कट दिया था वो थोड़ा सा लाइट है, इसलिए हम उसे डार्क करने के लिए हम ये लूज पाउडर में से ये जो हमारा कॉम्पैक्ट प्लेट है उसे हम थोड़ा डार्क कर देंगे। आप देख सकते हो कि हम किस तरह से उसे मच कर रहे हैं फेस पर। ये हमारा पाउडर से कट हो गया है। जब भी आपका कटिंग जो है वो अच्छे से नहीं होगा, जो पहले थोड़ा लाइट होगा लिक्विड में, तो आप अच्छे से उसके पाउडर में, पाउडर फॉर्म में भी, पाउडर फॉर्म में लगाना है लेकिन लूज पाउडर करने के बाद ही आपको पाउडर फॉर्म में लगाना है। लूज पाउडर करने से पहले आपको कोई भी पाउडर नहीं लगाना है उसके फेस पर। और हमने यहाँ पर नोज कटिंग भी अच्छे से दे दी है। आप देख सकते हो कि हमने ये जो कटिंग का ब्रश लिया है वो ऐसा ब्रश है, ऐसे क्रॉस में आता है, वो ऐसे हम उसे ऐसे कट देख सकते हैं। तो अब आप देख सकते हो कि उसके फेस में जो हमने लिक्विड ब्लश लिक्विड का जो कट किया था वो कट और ये पाउडर का कट दोनों में कितना डिफरेंट है, क्योंकि हमने जब उसे लिक्विड का कट दिया था तब हमने लाइट ही किया था, क्योंकि आपको बताने के लिए कि ऐसे पाउडर का कट कैसे लगता है। अब हम क्या करेंगे कि उसके स्किन टोन के अकॉर्डिंग पहले कॉम्पैक्ट लगा देंगे।
कॉम्पैक्ट का टचअप हमने लाइट सा ही देना है, बहुत ज्यादा नहीं करना है। ये हमारा कॉम्पैक्ट हो गया है, कॉम्पैक्ट हो गया है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हमने जो ये बेस बनाया है, जो कंसीलर, फाउंडेशन और लूज पाउडर, उसके बाद हमने कॉम्पैक्ट लगाया है। तो उसके बाद हम ये सेटिंग स्प्रे, सेटिंग मिस्ट यूज कर रहे हैं, फैशन कलर का है। जो ये हम लगाते हैं तो क्या होता है कि हमारा जो बेस है वो अच्छी तरह से सेट हो जाता है। तो आपको अच्छे से लगा देना है। पहले हमने ये सेटिंग स्प्रे लगा दिया है। आपको स्प्रे करते हुए हमेशा इतना ही हाथ दूर रखना है जितना उसके फेस के, इतना ही दूर रखना है, ज्यादा इतने नजदीक भी नहीं और ज्यादा दूर भी नहीं। अभी आप देख सकते हो कि हमने ये जो सारा का सारा बेस बनाया है उसमें थोड़ा सा हमको लाइट करना है उसके मेकअप को। तो लाइट करने के लिए हम क्या करेंगे, तो हमारा जो हाइलाइटर है उसके अकॉर्डिंग, उसके फेस के अकॉर्डिंग हम उसे हाइलाइटर देंगे, उसके स्किन के अकॉर्डिंग हम हाइलाइट देंगे। तो हमने मैंने आपको पहले बताया था कि इस कलर में से किसी भी कलर का आप हाइलाइट नहीं ले सकते हो। जो आपके जो क्लाइंट है, जो ये मॉडल है, उसके फेस पर कैसा सूट होता है, उसके कॉस्ट्यूम कैसे है और तो और आप उसका मेकअप कैसा है, वो उस पर डिपेंड करता है कि आपको हाईलाइट कौन सी लेनी है। तो हमने पहले जो लिया था वो ये लाइट गोल्डन था, और हमने अब यहाँ पर जो हम हाईलाइट ले रहे हैं वो ये डार्क गोल्डन में होगा। उसको हम अच्छे से डेप डेप करेंगे और अब हम यहाँ पर हाईलाइट करेंगे। हाईलाइट को हम ऐसे करेंगे ताकि हमारी जो हमारी तो प्रैक्टिस ही होती है मेकअप करने की। अगर आप सीख रहे हो, कोई स्टूडेंट हो, अगर तो कोई पहली बार क्लाइंट पर कर रहे हो, तो आपको ऐसे टचअप ही करना है हाईलाइट को, ज्यादा रगड़ना नहीं है उसके फेस पर। कई बार क्या होता है कि आप हमारी तरह से हाईलाइट करेंगे तो आपका बेस वहां से निकल भी सकता है। हम यहाँ पर अच्छे से हाईलाइट करेंगे। ये आप देख रहे होंगे कि हमारी ये जो हाईलाइट है वो अच्छे से हो गई है, हाईलाइट हो गई है। उसके बाद हम यूज करेंगे आई शेडो। अब बारी आती है आई शेडो की। अब ये जो आई शेडो है वो आपको कैसे करनी है, मैंने आपको पहले बताया था कि हम इस बार हम लोअर लैशेस के भी बारे में बताएंगे आपको। तो ये आप देख सकते हो कि लोअर लैशेस कैसे किया जाता है। हमारा ये जो आई शेडो है, अब हम ये आई शेडो हम स्मोकी बनाने वाले हैं। तो आप देख सकते हो कि आप आई शेडो क्लाइंट के जो कॉस्ट्यूम है उसके अकॉर्डिंग और क्लाइंट की आईज के अकॉर्डिंग आप आई शेडो कर सकते हो। अब हम यहाँ पर आई शेडो करेंगे। आई शेडो करने के लिए आपको सबसे पहले उसे एकदम लाइट कलर, स्किन टोन कलर के ऊपर उसको कलर लेना है। अच्छे से हल्के हाथों से उसे मच करना है दोनों तरफ से। ये आप देख रहे हो कि हमने अच्छे से उसको मच कर दिया है स्किन टोन कलर को। अब हम यहाँ पर स्मोकी आइज करने वाले हैं। तो स्मोकी आइज में क्या होता है कि दोनों तरह के ये जो पॉइंट है आइज के, वहां पर हमें डार्क कलर करना होता है। डार्क ब्राउन और ब्लैक कलर का जो कॉम्बिनेशन है उसको हम वैसी एक बोलते हैं। अब हम यहाँ पर ब्राउन कलर लेंगे। जो हमने डार्क कलर लिया है उससे धीरे धीरे से आपकी आईज का जो कॉर्नर है वहां पर लगाना है। आप देख रहे हो कि हम किस तरह से मच कर रहे हैं। अच्छी तरह से हमने जो कलर लिया है, जो ब्राउन कलर है, उससे हमें मच करना है। एकदम अच्छी तरह से हमने मच कर दिया है उसकी आईज पर। ये आप देख सकते हो कि हमने उसकी आईज पर कैसे मच किया है। यहाँ पर हम डार्क ब्राउन कलर ले रहे हैं। मैंने आपको बताया उस तरह आपको ब्राउन और ब्लैक का कॉम्बिनेशन करना है।
एकदम से उसको मर्ज करना है। स्मोकी आइस आपकी तब भी खत्म होगी जब आपको मर्ज करना और अच्छे से कलर कॉम्बिनेशन का सही से आपको नॉलेज हो तभी आपकी स्मोकी आइस बन सकती है। हम यहाँ पर आपको दिखाने वाले हैं अच्छे से, अच्छी तरह से आप देखना। ये जो हमने कलर था ब्राउन, वो अच्छी तरह से हमने ये वहां पर मच कर दिया है। ये आप देख सकते हो, हमने ब्राउन कलर को यहाँ पर मच कर दिया है। अब हम यहाँ पर थोड़ा लाइट कलर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने जो लाइट कलर लिया है वो भी हम अच्छे से मच करेंगे। ये जो आप देख रहे हो आई शेडो, वो स्मोकी आई शेडो कहते हैं। अगर ऐसे ही आई शेडो आपको सीखनी है तो हमारी चैनल में जुड़े रहे तो आपको सब कुछ पता चलेगा कि कौन सी स्टाइल को, कौन सी आई शेडो को और कैसे मैच करते हैं। आप देख सकते हो हमने यहाँ पर ब्राउन कलर को अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब लेना है हमें ब्लैक कलर। ब्लैक कलर को हम कहाँ से कहाँ तक ले जाएंगे वो आपको देखना है। ये हमारा जो ब्लैक कलर है उसमें हमें जो ये आउट कॉर्नर है वहां पर वी शेप में लगाना है ऐसे करके, और ब्रश को सीधा रख के हमें मर्ज करना है। ये आपने देखा है कि किस तरह से हम उसे मर्ज कर रहे हैं। ये स्मोकी आइज जब एकदम से हो जाएगी तब इसका लुक बहुत ही अच्छा आएगा। दोनों तरफ से आपको सही तरह से मर्ज करना है। ज्यादा थोड़ा मर्ज नहीं करना है और ज्यादा थोड़ा कलर भी नहीं लेना है। दोनों तरफ अच्छे से कलर लेकर उसको मर्ज करना है। ये आप देख सकते हो कि हमने ये जो कलर लिया था वो अच्छे से मर्ज हो गया है, ये आप देख सकते हो। अब हम क्या करेंगे कि हमारी आई शेडो अभी भी अधूरी है। स्मोकी आइस करनी है तो आपकी आई शेडो अधूरी ही है, लेकिन आपको करना क्या है कि हमने ये जो यहाँ पर जो छोटा सा स्पेस रखा है उस पर हम गोल्डन कलर का ग्लिटर लगाएंगे। एकदम बीच में से आपको गोल्डन कलर का शिमर लगाना है एकदम हल्के हाथों से। ये आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पर अच्छे से ग्लिटर भी लगा दिया है। अच्छे से आपको मच करके उसे लगाना है। अब आप देख सकते हो कि इसका लुक कितना अच्छा आता है। यह है हमारी स्मोकी आईज। तो अब हम थोड़ा सा आईब्रो हाईलाइट भी कर देंगे उसे। आईब्रो हाईलाइट करने के लिए हमें गोल्डन हमने शिमर ली है। आप कोई भी शिमर ले सकते हो लेकिन कलरफुल शिमर नहीं ले सकते हो, या तो गोल्डन या तो सिल्वर शिमर में आप उसके आईब्रो हाईलाइट कर सकते हो। अब हम करेंगे उसकी आईब्रो डिफाइनर। जिस तरह के उसके आईब्रो के हेयर है उस तरह ही आपको कलर लेना है। सारे कलर को ऐसे करके उसे अच्छे से बिठा देना है ताकि उसकी आईब्रो अच्छे से दिखे। ये आप देख सकते हो कि हमने आईब्रोज भी अच्छी तरह से बना दी है उसकी। अब अगली बार हमने बताया था कि उसकी जो आईज के पॉइंट है यहाँ पर, जो यहाँ पर हम दोनों तरफ हमने जो शिमर लगाना बोला था वो इस आईज पर हम करेंगे, क्योंकि उसकी आईज मैट नहीं है। अब हमें ये थोड़ी शाइनिंग करनी है तो इसीलिए हम थोड़ा शाइन देंगे। ये आप देख सकते हो कि हमने दोनों तरफ से उससे अच्छे से मच कर दिया है। तो ये है उसकी आईज की जो पॉइंट है वो हाईलाइट होते हैं। तो ये हमारी उसकी आई शेडो कम्प्लीट हो गई है। तो आप देख सकते हो कि हमारी ये पूरा उसका जो फेस का शेप है और वो भी हो गया है, उसकी आई शेडो भी हो गई है। हमें स्मोकी करनी है तो अब हम क्या करेंगे
कि हमारे जो ब्राइडल है उसे लैशेस लगाना भी इतना जरूरी है क्योंकि उसकी आईज जो है वो इतनी सुंदर दिखे, इसीलिए हमें उसको लैशेस लगाना भी जरूरी है। तो लैशेस हम ऐसी लगाएंगे कि पहले का जो पॉइंट है वो एकदम छोटा सा होगा और जो लास्ट में जो पॉइंट आएगा उसकी लैशेस हमेशा फिर बड़े होंगे। तो ऐसी लैशेस हम उसे क्रिएट करेंगे। जो लैशेस में जो ग्लू लगा है उसे आप ऐसे खींचकर बीच में से लगाने का स्टार्ट करना है और यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ऐसे करके रख देना है। आपके जो ब्राइड है उसकी आईज एकदम क्लोज रखनी है, थोड़ी देर सूखने देना पड़ेगा, बंद रखना। ऐसे आप उसे लैशेस लगा सकते हो। आप देख सकते हो कि हमारी लैशेस यहाँ पर कितनी अच्छे से स्टिक हो गई है, लेकिन अब इसे हमें 3-4 मिनट तक सूखने देना पड़ेगा क्योंकि हमारा जो लैशेस का ग्लू आता है वो एकदम से लिक्विड में होता है, तो इसे सुखाने में थोड़ी देर लगेगी। ये जो हमारी आईज है वो दोनों तरह की लैशेस को अलग अलग तरह से आते हैं, तो इससे भी हम बीच में से लगाने का स्टार्ट करेंगे और लास्ट तक हम उसे ऐसे छोड़कर आगे से ऐसे पिन कर लेंगे। थोड़ी देर उसे सुखाना है आपको। आपको जब लगे कि हमारा ये जो लैशेस में ग्लू था, जो हमने ये लैशेस में ग्लू लगाया था वो अच्छी तरह से सूख गया है, तभी ही आपकी ब्राइड की जो आईस है उसे आप ओपन कर सकते हो। तब तक आपको ये आईस को ओपन नहीं करना है। आप देख सकते हो कि उसकी आईस अच्छे से हो गई है। मैंने आपको बताया था कि हम दूसरे वीडियो में आपको बताएंगे कि हम अगले वीडियो में लोअर लैशेस कैसे करते हैं, तो इस बार हम आपको बताने वाले हैं कि लोअर लैशेस कैसे किया जाता है। इसे ओपन करो। ओके। तो ये जो लोअर लैशेस है उसमें आपका ब्रश एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, जो आप देख सकते हो कि हमारा ये ब्रश जो है एकदम स्ट्रेट है। ऊपर देखो, ये जो उसकी आईज है उसके नीचे जो ये लैशेस है, आईज की जो नीचे की लैशेस है, ये जो नीचे की लैशेस उसके एकदम कॉर्नर से आपको ये लोअर लैशेस करनी है। जैसी आपने आई शेडो की है उस तरह से इसे डार्क करना है। आपको हमेशा ये डार्क कलर ऐसे आउट से ही लेना है, इनर कॉर्नर से कभी डार्क कलर नहीं करना। इनर कॉर्नर पे आप लाइट कलर भी ले सकते हो। ये आप देख सकते हो कि हमने कितनी अच्छी तरह से यहाँ पर लोअर लैशेस की है। और यहाँ पर हमने एकदम लाइट कलर लिया है जो उसके आईज को और भी सुंदर बनाता है। आप देख सकते हो, ऊपर देखो, आप देख सकते हो कि हमने दोनों तरफ से उसकी जो ये हमने लोअर लैशेस की है वो कितनी अच्छी तरह से उसको कर दी है। अब हम उसको एक लिक्विड फॉर्म में एक लिपस्टिक दे देंगे तो हमारी ब्राइड इतनी सुंदर लगेगी। मैंने आपको पहले बोला था कि अगर आप स्टूडेंट हो या तो आप किसी की प्रैक्टिस कर रहे हो मेकअप की, तो आपको पहले हमेशा ब्रश से ही उसके लिप्स का शेप दे देना है। ये आप देख सकते हो कि हमारे जो लिपस्टिक है वो न्यूड कलर में है। आपको लिपस्टिक करने वक्त इतना ख्याल रखना है कि लिप्स के बाहर तक लिपस्टिक नहीं जानी चाहिए। जो लिपस्टिक बाहर जाती है तो आपने जो लुक बनाया है ब्राइडल का वो एकदम से बिगड़ जाता है, तो इसीलिए आपको जो लिपस्टिक करनी है वो एकदम अच्छी तरह से लाइनिंग कर उसकी लिपस्टिक होनी चाहिए ताकि जो उसका लुक है वो बहुत अच्छी तरह से आए। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमने जो लिपस्टिक बनाया है उसका वो कितनी अच्छी तरह से उस पर सूट हो रहा है। और अब हम यहाँ पर छोटी सी बिंदी लगाएंगे, फिर बाद में हमें वो स्प्रे करना है।
वो सेटिंग मिस्ट है, हाईलाइट स्प्रे है, जो हमारी वो उसने जो उस पर जो मेकअप किया है उसको हाईलाइट करने के लिए हम ये जो शुगर का जो स्प्रे है उसको हम उसे अप्लाई करेंगे। अच्छी तरह से आपको ये स्प्रे करना है। अभी आप देख सकते हो कि हमारा ये जो बेस है वो कितना अच्छा दिख रहा है। तो आपको ये बेस जो अच्छा लगा हो तो आप अगले वीडियो में भी देख सकते हो कि हम कुछ ना कुछ नया ही लेकर आएंगे आपके लिए। तो अब आपने सीखा इसमें इस वीडियो में ये जो लाइन और ये लोअर लैशेस कैसे करते हैं। तो अगले वीडियो में भी हम ऐसे ही बताएंगे आपको कि हमारा जो मेकअप है उसे अगले आगे कोई अगर स्टेप में कैसे आगे बढ़े।